बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं, नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी रिसेप्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ये कम्युनिकेशन वन के नाम से मिलर एंड हार्ले जोलॉजी के जो डिफरेंट एडिशन उनमें ये चैप्टर अवेलेबल है। और आई सजेस्ट कि एमसीक्यूज आप करने से पहले ये चैप्टर एक दफा रिवाइज कर ले, ताकि आपको एमसीक्यूज जो है वो पिक करने में और अपने आप को एनालाइज करने में आसानी हो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरह की चल रही है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन इज अबाउट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्वस ऑर्गेनाइजेशन अमंग ऑल एनिमल्स इज फाउंड इन। तो अगर हम एनिमल्स में देखें तो स्पंजिस के अंदर तो ऐसा सच नर्वस सिस्टम है नहीं, और फ्लैटवर्म्स नेमाटोड्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जबकि नाइडेरियंस में डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम है, जो कि सिंपलेस्ट टाइप है नर्वस सिस्टम कि ऑर्गेनाइजेशन या इसके एवोल्यूशन की जब बात की जाती है। दैट्स व्हाई वी से कि नाइडेरियन इज द राइट ऑप्शन, कि इसमें नर्व सेल्स या जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर टू, न्यूरॉन्स विच आर यूजुअली यूनिपोलर। तो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से एक्सटेंशन की बेस पे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसमें सेंसरी न्यूरॉन मोस्टली यूनिपोलर होते हैं, जबकि मोटर और एसोसिएटिव या इंटर भी जिन्हें कहते हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं मोस्टली। यूनिपोलर न्यूरॉन्स में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेल से सिर्फ या सेल बॉडी से सिर्फ एक ही एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोजेक्ट आउट कर रही होती है। सच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स दे आर मोस्टली सेंसरी, जबकि इंटर न्यूरॉन्स मोस्टली मल्टीपोलर होते हैं, रेयरली बायपोलर हो सकते हैं। और मोटर न्यूरॉन्स दे आर ऑलवेज मल्टीपोलर, दैट मीन्स कि उनकी सोमा या सेल बॉडी से मल्टीपल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट आउट कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, न्यूरोलिमा और द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन विल बी मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेट्स ड्यूरिंग। तो नर्व इंपल्स का जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि पोटेशियम गेट्स की ओपनिंग होती है रीपोलराइजेशन के दौरान, और उसी दौरान न्यूरॉन की मेम्ब्रेन इसके लिए ज्यादा परमिएबल हो जाएगी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सोडियम पोटेशियम पंप्स मेन रोल प्ले कर रहे होंगे। डीपोलराइजेशन के दौरान ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट्स मेन इवेंट होता है, जबकि रीपोलराइजेशन के दौरान जब पोटेशियम आयंस रन आउट करते हैं, रश आउट करते हैं, उसमें पोटेशियम गेट्स की ओपनिंग मेन जो उसकी कॉज है या मेन फैक्टर के तौर पे काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, फ्यूजन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स विद द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन अकर्स ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ। तो याद रखिएगा, जब न्यूरोट्रांसमीटर्स साइनेप्स पे पहुंचते हैं एंड पे, तो वहां पे कैल्शियम आयंस की इनवर्ड मूवमेंट की वजह से, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन इट कॉजेस द रिलीज ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स। दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन विल बी कैल्शियम आयंस। लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन हायर एनिमल्स आर यूजुअली फाउंड इन। Largest number of neurons they are found in the brain portion, while in the spinal cord में भी अच्छे खासे neurons होते हैं, लेकिन as compared to the other parts, brain it consists of highest number of neurons. Nerve impulse की speed को कौन से factors regulate करेंगे? तो याद रखिएगा, दो factors होते हैं जो nerve impulse की speed को regulate करते हैं। Myelin sheath जितनी better होगी impulse उतनी better way में insulated होगी और travel करेगी, और डायमीटर जितना लार्जर होगा उतना ही ज्यादा इजी होगा चार्जेस के लिए फ्लो करना, यानी रेजिस्टेंस कम होगी। दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन इज डेल्टा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेंड इन द एवोल्यूशन ऑफ नर्वस ऑर्गेनाइजेशन। जब हम इनवर्टिब्रेट्स की नर्वस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ट्रेंड्स की बात करते हैं, तो उसमें हमें नर्व नेट, सेफलाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, गैंग्लिया और ब्रेन के ट्रेंड्स नजर आते हैं। बट रेडियल सिमेट्री इज नॉट कंसिडर्ड अ ट्रेंड, क्योंकि इसमें रिसेप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली सारी साइड्स पे होती है और कोई स्पेसिफिक टाइप का सिस्टम या वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम इस केस में अवेलेबल नहीं है एनिमल्स में। क्वेश्चन नंबर एट, एक्शन पोटेंशियल इज समटाइम्स रेफर्ड एज डैश ड्यू टू इट्स शेप इन द ऑसिलोस्कोप स्क्रीन, जिसपे हम नर्व इम्पल्स को मेजर करते हैं। तो चूंकि ये प्रोजेक्शन की फॉर्म में नजर आ रहा होता है एक्शन पोटेंशियल, इसलिए समटाइम इसको स्पाइक का नाम दिया जाता है, रादर देन सेइंग पीक कर्व और पीक एंड वैली। तो ये समटाइम स्पाइक का जो है वो नाम भी इसको दिया जाएगा। राइट ऑप्शन होगी इसमें चार्ली नंबर एट में। नंबर नाइन, नोटोकॉर्ड इज द की फीचर ऑफ ऑल कॉर्डेट्स, फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक लेयर इज इट डिराइव्ड।
पीपीएससी के पास्ट एग्जाम्स में या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी देखें तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनमें आता है कि एम्ब्रियोनिक लेयर से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे नोटोकार्ड का पूछा गया, तो नोटोकार्ड एक मेसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर है, सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। नंबर 10, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स विच आर नाउन एज नर्व्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दे आर नाउन एज डैश इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर हम बंडल ऑफ न्यूरॉन्स को नर्व्स कहते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनको ट्रैक्ट कहा जाता है, जबकि न्यूक्लियाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज को बोलेंगे, और गैंग्लियन का वर्ड दिया जाएगा क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। प्लेक्सिस हम नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स को नाम देते हैं व्हेन इट इज फाउंड आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी राइट ऑप्शन होगा चार्ली, ट्रैक्ट। मिडल लेयर ऑफ मेनिंजेस, देयर आर थ्री लेयर ऑफ मेनिंजेस, यू नो ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। इसमें से जो मिडल लेयर है दैट इज रेफर्ड एज एरेक्नॉइड, मिडल लेयर को एरेक्नॉइड का नाम दिया जाएगा, आउटर को ड्यूरेबल जो टफ थिकर लेयर है ड्यूरा मैटर, और इनर मोस्ट जो है वो पाया मैटर नेम दिया जाता है। हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर फाउंड इन अ फ्रॉग और एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस और फिशेस में यूजुअली 8 to 10 पेयर्स मिलते हैं मिलर एंड हार्ले जूलॉजी के अकॉर्डिंग, ये 10 पेयर्स हैं, या यहाँ पे पेयर्स के बजाय नंबर्स पूछा गया है तो हम राइट ऑप्शन चूज करेंगे चार्ली, 20, 10 पेयर्स एंड 20 नर्व्स दे आर फाउंड, क्रैनियल नर्व्स दे आर सॉरी स्पाइनल नर्व्स दे आर फाउंड इन फ्रॉग्स एंड फिशेस एज वेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ टेलेंसेफ्लॉन, अगर आप ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को देखें तो टेलेंसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन, मीजन और रोम्बेनसेफ्लॉन जो हम बनाते हैं, तो फोर ब्रेन में टेलेंसेफ्लॉन में सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी जो बल्ब है, लिम्बिक सिस्टम और कॉर्पस स्ट्राइटम आ जाएंगे, लेकिन थैलेमस आप लोग देख सकते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन, दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन होगी डेल्टा। प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन की प्रोडक्शन एक रिफ्लेक्स है, एंड दीज रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला, डाइजेशन का प्रोसेस मेनली या इसके सिक्रेशंस को मेनली मेड्यूला रेगुलेट कर रहा होगा, सो राइट ऑप्शन यहां पे बीटा। इंटीलोस्ट और बोनी फिश इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच इज लार्ज इन एक्टिव स्विमर्स एंड स्मॉल इन रिलेटिवली इनएक्टिव फिशेस, इनएक्टिव स्विमर फिशेस इज नाउन एज, तो याद रखिएगा ये पार्ट है सेरिबेलम जो कि एक्टिव स्विमर्स में मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए लार्जर है, और जो सेसाइल है रिलेटिवली लेस एक्टिव स्विमर्स हैं उनमें ये रिड्यूस्ड है, स्मॉलर है, राइट ऑप्शन है इसमें बीटा। मिड ब्रेन रूफ इज अ थिक रीजन ऑफ ग्रे मैटर एंड इज नाउन एज, तो मिड ब्रेन के रूफ को नाम दिया जाता है ऑप्टिक टेक्टम, मिड ब्रेन पॉन्स और मेड्यूला इनको मिलाकर हम ब्रेन स्टेम का भी नाम देंगे, सो राइट ऑप्शन है इस केस में बीटा। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं फ्रॉग एम्फीबियंस के अंदर जो 10 है पेयर्स उसमें, तो यहाँ पे भी पेयर्स पूछे गए हैं रेप्टाइल्स बर्ड्स में, याद रखिएगा रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स तीनों में क्रेनियल नर्व्स के जो पेयर्स हैं वो सेम है, देयर 12 इन नंबर, और बाकी अगर देखें जालस फिशेस में 8 to 10 पेयर्स हैं, फिर नेथोस्टोमेटा के अंदर 10 to 12 पेयर्स, कॉन्ड्रिक्थाइज में भी 10 पेयर्स, पाइसिस में भी 10 पेयर्स, एम्फीबियंस में भी, रेप्टिलिया में 12 पेयर, और क्लास एव्स यानी बर्ड्स के अंदर भी 12 पेयर, और मैमल्स में भी। क्वेश्चन नंबर 18, द डैश एक्सॉन्स ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व 10th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, इट लीड्स टू द ब्रेन व्हाइल डैश एक्सॉन लीड्स द हार्ट एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द विजरल ऑर्गन्स, तो याद रखिएगा जो सेंसरी एक्सॉन्स है वेगस नर्व के वो टूवर्ड्स ब्रेन जाएंगे, जबकि मोटर एक्सॉन्स वो दूसरे स्मूथ मसल या विजरल ऑर्गन्स की तरफ जाएंगे जो उनकी मूवमेंट को रेगुलेट कर रहे होंगे, स्पेशली ड्यूरिंग पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, तो राइट ऑप्शन है इस केस में अल्फा। नेचर ऑफ एब्ड्यूसन नर्व, एब्ड्यूसन नर्व भी हमारे पास ये क्रेनियल नर्व्स की कैटेगरी में आती है, और ये प्राइमरीली मोटर होती है जो कि जास जो है या दूसरी आईज के साथ भी कंसर्न है इसका, आईज की मूवमेंट, जास की मूवमेंट उसको रेगुलेट कर रही होती है, और ये प्राइमरीली मोटर नर्व है। नंबर 21, ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इवेंट ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, तो आप जानते हैं कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज करती है,
ब्रोंकाई की कंस्ट्रिक्शन होगी क्योंकि ज्यादा हायर रेट की ब्रीदिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और यूरिनेशन जो है वो प्रमोट होगी। लेकिन ग्लूकोज की प्रोडक्शन और उसकी रिलीज ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इवेंट्स में आएगा। सो राइट ऑप्शन है यहाँ पे डेल्टा, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एज यू कैन नोट ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 21, रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ ह्यूमिडिटी दे आर नाउन एज हाइग्रो रिसेप्टर्स इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, और वो एयर या वाटर के अंदर जो वेपर्स हैं या वाटर कंटेंट्स को, एयर में मौजूद वाटर कंटेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। सेंसिला या सेंसिलम, ये मेनली आर्थ्रोपोड्स के अंदर किस चीज की रिसेप्शन के लिए, तो याद रखिएगा ये कीमो रिसेप्शन में इन्वॉल्व है। ये सेंसिला का स्ट्रक्चर गिवन है, इसकी बेस पे न्यूरॉन्स हैं और वो केमिकल्स की डिटेक्शन में आर्थ्रोपोड्स को हेल्प करेंगे। नंबर 23, मोस्ट ऑफ द जियो रिसेप्टर्स इन इनवर्टिब्रेट्स आर, तो जियो रिसेप्टर्स स्टेटोसिस्ट की फॉर्म में होते हैं इनवर्टिब्रेट्स में, जबकि इसके अंदर जो स्टोन लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम नाम देते हैं स्टेटोलिथ। सेंसिला आप पढ़ चुके, कीमो रिसेप्शन है, पाप्स या प्रोजेक्शंस, दे हैव अदर फंक्शंस। कंपाउंड आइज दे कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू टू मेनी डिस्टिंक्ट यूनिट्स कॉल्ड ओमेटिडिया एंड आर वेल डिवेलप्ड इन, तो याद रखिएगा कंपाउंड आइज या ओमेटिडिया ये वेल डिवेलप्ड है आर्थ्रोपोडा में, बट दे आर ऑल्सो फाउंड इन एनालिट्स एंड मोलस्का, बट दे आर एब्सेंट फ्रॉम नेमाटोड्स। तो राइट ऑप्शन है इसमें चार्ली, ये ओमेटिडिया का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे शोन है। Number 25, which of the following is not a similarity between vertebrates and invertebrate camera eyes? तो iris भी दोनों में है, image forming भी दोनों है, lens भी दोनों में present है। Octopus eye, invertebrate eye, the largest and well-developed camera eye. Vertebrate eye में भी है, लेकिन inverted retina सिर्फ हमें vertebrates के अंदर मिलेगा, invertebrates में नहीं। So right option है delta, कि similarity नहीं है, ये difference है। During swimming in crayfish, which type of receptors they detect change in muscle length? So, muscle length के लिए जो stretch receptors हैं वो activated होते हैं crayfish के अंदर, so that's why we'll choose proprioceptors, which are responsible for the detection of stretch in crayfish as well as in other invertebrates. ये portion invertebrate जो है वो receptors से related है. Which type of receptors help blood-sucking parasites in the detection of host? तो blood-sucking parasites जाहिर है warm-blooded animals के ऊपर feed कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे assistance या help मिलेगी उनको thermoreception से। So right option will be delta. Number 28, ampullary organ of vertebrates is concerned with. तो याद रखिएगा ये vertebrates के अंदर fishes, amphibians में commonly मिलते हैं, they are mainly concerned with detection of electrical sense or electroreception. The lateral line system of electrical sensing is the head, in the head and body areas of, तो ये fishes में भी मिल जाता है, amphibians में भी, platypus, यानी duckbill platypus में भी, that's why right option will be delta. Number 30, vestibular apparatus in the vertebrate ears is responsible for, तो याद रखिएगा vestibular और auditory apparatus दो portions हैं, auditory apparatus hearing के साथ concerned है, while vestibular apparatus is concerned with posture as well as equilibrium in hearing structures or in the structure of ear in vertebrate groups, तो vertebrates के अंदर ये posture and equilibrium को regulate करेगा। Question number 31. Tympanum first evolved in which group of animals? Tympanum animals ke groups mein vertebrates ke andar agar hum dekhe to sabse pehle ye amphibians ke andar ear mein develop hui. So right option hogi isme beta. Later on ye kuch groups ke andar ya amphibians ke andar bhi aur kuch reptiles mein missing bhi hai, but first of all it developed in amphibians. So right option hai isme beta. Ears of snakes they lack, तो स्नेक्स के ईयर्स यूजुअली मिसिंग होते हैं, में आप कह लें कि मिडल ईयर कैविटी भी और टिम्पैनम भी, बट दे हैव ईयर बोन्स, उनमें मिडल ईयर कैविटी और टिम्पैनम यूजुअली मिसिंग होगी स्नेक ईयर्स में, सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ग्रेन्यूल्स इन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ मैमेलियन ईयर व्हिच रेस्ट ऑन द रिसेप्टर हेयर सेल्स इन द इनर ईयर दे आर नाउन एज, तो स्टेटोसिस्ट तो आप जानते हैं इनवर्टिब्रेट्स के रिसेप्टर्स हैं, ये स्टेटोलिथ भी उनके साथ कंसर्न्ड है। नेमेटोसिस्ट ये एनाइडेरियंस के स्टिंगिंग सेल्स का नाम है, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी ऑटोलिथ,
which are found in the inner ear or ye balancing mein, equilibrium mein helpful honge. Most abundant receptors in animal kingdom, there are other types of receptors as well, but out of the following list, agar hum dekhen to pain receptors prefer karenge, which are most abundant receptors in animal kingdom, kyunki predator prey relationship mein apne aap ko save karne mein sabse zyada helpful receptors yahi honge. So they are most abundant as far as their number is concerned. वैसे oldest noun receptors में chemoreception है, क्योंकि chemoreceptors oldest noun receptors हैं. Pit organ of the snakes, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ rattle snakes में या pit vipers के अंदर commonly ये मिल जाता है. तो pit organ ये किस purpose के लिए होता है? It is usually for thermoreception. ये thermoreception का एक source है, जिसकी मदद से ये अपना prey detect करेंगे. Vibrisse से ये mammals में किस चीज में help करेंगे? तो याद रखिएगा, ये tactile या टच रिसेप्शन के लिए हेल्पफुल होंगे विब्रिस से. इसमें 36 में राइट ऑप्शन होगा चार्ली. नंबर 37, माइग्रेटरी एक्टिविटी ऑफ सॉमन एंड लैम्प्रेज मेनली डिपेंड्स अपॉन सेंस ऑफ. तो ये माइग्रेटरी फिशेस डिपेंड करती हैं अपनी सेंस ऑफ स्मेल पे या ऑल्फेक्शन पे फॉर द माइग्रेशन, और ये इनके अंदर डिवेलप्ड एपिथीलियम की फॉर्म में मौजूद होती है. नंबर 38, pouches for olfaction in snakes and lizards, they are known as. तो olfaction के लिए जो snakes या lizards में pouches हैं, they are also known as Jacobson's organ or vomeronasal organ. So यहाँ पे right option choose करेंगे delta. ये pouches like structures हैं जो with the help of tongue smell की sense या chemicals जो environment के अंदर air में मौजूद होंगे उनको detect करने में assist करेंगे, help करेंगे. Birds usually have reduced olfactory epithelium, but there are exceptions as well. For example, kiwi, as well as vultures, they have well-developed olfactory epithelium. While the other birds, they have reduced epithelium. So right option will be delta. Rods are sensitive to dash light, while cones are sensitive to dash light. Cones deviant ke liye hai, wo high light intensity mein dekhne ke liye. Jibke rod cells, they are for the viant in low light intensity or dim light intensity. तो right option इसमें होगा alpha. यहाँ पे हमारे पास answer की जो है वो wrongly marked है, लेकिन इसमें right option होना चाहिए. Rods are sensitive to dim light, while cones are sensitive to extreme or high intensity of light. इसमें alpha right option है, beta is wrongly marked over here. That was all about these questions from the chapters. आप कोशिश करें कि इनको इस चैप्टर को पहले रिवाइज करें, और फिर साथ इसमें जरूर कमेंट कीजिए कि इन 41 questions में से कितने परसेंट या कितने questions आपके ठीक हुए. I'll share these questions in your WhatsApp groups. और इसको images की फॉर्म में पहले मैं without answers शेयर कर दूंगा, आप इसको go through करने के बाद यहाँ पे इसके answers देख सकेंगे. Thank you so much. Allah Hafiz.